हेलो गाइस, आज का हमारा वीडियो है हाई प्रोटीन डाइट के बारे में। मैंने अपना जो 50 kg वेट लॉस किया है उसके अंदर मैंने ये डाइट बहुत बार फॉलो किया हुआ है, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोटीन वाली चीज़ें इंक्लूड की है। सो आइए हम देखते हैं हाई प्रोटीन डाइट के बेनिफिट्स क्या हैं, और एस्पेशली वेजिटेरियंस, जो लोग सिर्फ वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर रहे हैं, वो लोग कैसे अपने डाइट के अंदर प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक बटन ज़रूर प्रेस करना, और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। जिनको वेट लॉस करना है, या तो अपना वेट सिर्फ मेंटेन करना है, ठीक है, और या तो जो लोग मसल गेन कर रहे हैं, बॉयज़ स्पेशली जिनको मसल गेन करना होता है, उन सब के लिए प्रोटीन वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डाइट के अंदर आपको क्या क्या मिलता है? फैट मिलती है, प्रोटीन मिलता है, और कार्ब्स मिलते हैं, विटामिन मिनरल्स मिलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन। आपके बॉडी को ग्रोथ के लिए, आपके बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नए सेल्स को बनाने के लिए भी प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मसल रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। प्रोटीन कैसे हेल्प करता है वेट लॉस में, तो ये मैं आपको बता दूँ। अगर आप अपने डाइट के अंदर ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो एक हंगर हार्मोन होता है, जिससे कि हमको भूख लगती है, जिसको कहते हैं ग्रेविन। तो उसके लेवल को वो मेंटेन करता है, जिससे आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। और एक दूसरा हार्मोन है पेप्टाइड YY, उस हार्मोन को बूस्ट करता है, जिससे आपको फुलफिलमेंट की एक फीलिंग आती है। मतलब थोड़ा सा खाना खा के भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने आपने अच्छे से खा लिया है। सो वो आपके एपेटाइट को भी सप्रेस करता है। तो अगर आप हाई प्रोटीन डाइट आपके डाइट के अंदर इंक्लूड करते हो, या तो हाई प्रोटीन डाइट लेते हो, तो उससे क्या होगा कि आपको भूख कम लगेगी, आपको अच्छे से आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होगी, आपको फुलफिलमेंट मिलेगा, और साथ ही साथ आपके मसल्स भी अच्छे से रिपेयर होंगे। सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं डिटेल में इसके अंदर नहीं जा रही हूँ। मैं इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करूँगी कि जो वेजिटेरियन लोग हैं, क्योंकि नॉन वेज के अंदर बहुत सारे हाई प्रोटीन चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन जो एस्पेशली वेजिटेरियन लोग हैं जो सिर्फ वेज खाते हैं, उनके लिए प्रोटीन के बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। सो चलिए डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, और वो आप अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करके कैसे आपका वेट लॉस कर सकते हो। सो पहली जो चीज़ है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन जिसके अंदर है और वेजिटेरियन लोग इसको पसंद करते हैं, वो स्पिनच। तो स्पिनच के अंदर 3.5 कप आप रॉ गिन लीजिए, या तो 1/2 कप कुक्ड स्पिनच पालक, उसके अंदर 100 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली हो गया, उसके अंदर 23 कैलोरीज है। कार्ब्स 3.8 ग्राम है, फाइबर 2.4 ग्राम है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। फाइबर आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन इसके अंदर 3 ग्राम्स मिलता है, 100 ग्राम पालक के अंदर आपको 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। फैट 0.3 ग्राम, मतलब फैट बहुत ही कम होती है, तो जिसको वेट लॉस करना है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। और ये पालक जो कि स्पिनच है, वो विटामिन सी एंड के बहुत ज़्यादा कंटेंट रखती है। फॉलिक एसिड इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से मिलता है, और आयरन और कैल्शियम इसकी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। सो ये एक रिच वेजिटेबल आप गिन सकते हो। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे विटामिन एंड मिनरल्स अवेलेबल है। सो ये आप अपने डाइट के अंदर इंक्लूड ज़रूर कीजिए। दूसरी चीज़ है मशरूम। 100 ग्राम मशरूम में आपको 22 कैलोरीज मिल रही है। कार्ब्स 3.3 ग्राम है, फाइबर 1 ग्राम है, प्रोटीन 3.1 ग्राम है, और फैट 0.3 ग्राम है। अगेन इसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा कम है, सो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है मशरूम। और इसके अंदर विटामिन बी एंड पोटेशियम बहुत अच्छे अमाउंट में है अवेलेबल। सो इसको भी आप इंक्लूड ज़रूर कीजिए मशरूम को अपने डाइट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी प्रोटीन ज़्यादा है। सो थर्ड थिंग है पीस, मटर। 100 ग्राम मटर के अंदर आपको कैलोरी 70 मिलती है, 70 कार्ब्स 12 ग्राम है, फाइबर 5 ग्राम्स है, प्रोटीन 5 ग्राम्स है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और फैट 0.4 ग्राम है। फैट इसके अंदर बहुत कम है। सो अगेन ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो वेजिटेरियन लोग हैं, ये इसको ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपने डाइट के अंदर। फोर्थ है लेंटिल्स एंड पल्सेस, मतलब कि दाल, जो बहुत ही ज़्यादा हम खाते हैं, रोज़ डाइट में हम लेते ही हैं। अब हमको पता नहीं, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं।
सो 100 ग्राम बॉइल्ड लेंटिल और पल्सेस में आपको कैलोरीज 110 मिलती हैं, 110 कार्ब्स आपको 19.5 ग्राम्स मिलते हैं, इसके अंदर थोड़ी कार्ब्स ज़्यादा हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो इसकी अमाउंट थोड़ी कम रखिएगा। फाइबर 8 ग्राम्स है, प्रोटीन 9.1 ग्राम है और फैट 0.3 ग्राम्स है। ये कैलोरी के अंदर कम है लेकिन इसके अंदर कार्ब थोड़े ज़्यादा हैं। आयरन एंड फॉलेट में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं और प्रोटीन का एक्सेलेंट सोर्स माना जाता है। सो ये रोज़ आपको खाने चाहिए, दाल और जो पल्सेज हम कहते हैं बहुत सारे हैं अवेलेबल, सो ये भी बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। सो फिफ्थ है डेयरी प्रोडक्ट्स, यस मिल्क, पनीर, कर्ड, ये सारी चीज़ें, लेकिन चीज़ और बटर नहीं आता इसके अंदर। सो मिल्क है, मिल्क के अंदर भी प्रोटीन है, पनीर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है और कर्ड, लेकिन मिल्क के अंदर आपको मैं बता दूँ कार्ब्स ज़्यादा रहेंगे, पनीर के अंदर थोड़े कम रहेंगे और कर्ड के अंदर भी कम रहेगा कार्ब्स। सो मिल्क 250 ml, उसके अंदर मैं बता दूँ कैलोरीज 144, कार्ब्स 10 ग्राम होते हैं, प्रोटीन 8 ग्राम मिलता है और फैट 8 ग्राम मिलता है आपको। पनीर के अंदर 100 ग्राम पनीर के अंदर 256 मतलब 256 कैलोरीज होती हैं, 1.2 ग्राम्स कार्ब्स हैं, 18 ग्राम्स प्रोटीन है जो बहुत अच्छी बात है और 20 ग्राम फैट है। तो इस पनीर के अंदर जैसे जैसे प्रोटीन भी बढ़ता है फैट भी बढ़ती है, तो दोनों उसके अंदर आ जाता है पनीर के अंदर। कर्ड में 1 कप कर्ड के अंदर 70 कैलोरीज होती है, 5.3 ग्राम्स कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन 4 ग्राम मिलता है और फैट 3.6 ग्राम्स मिलता है। सो ये सारी ऐसी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो आप प्रोटीन के लिए ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी आप मिल्क ना लीजिए, आप थोड़ा सा पनीर इंक्लूड कर सकते हो और आप कर्ड भी इंक्लूड कर सकते हो अपने डाइट के अंदर। सो आगे हम बात करेंगे सोयाबीन्स, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स माना जाता है प्रोटीन का। अगर कुक्ड सोयाबीन है 100 ग्राम तो उसके अंदर कैलोरीज 173 है, कार्ब्स 9 ग्राम आते हैं उसके अंदर, फाइबर 6 ग्राम्स है, प्रोटीन 16 ग्राम्स है और फैट 9 ग्राम है। सो ये था सोयाबीन, ये भी आप ले सकते हैं फॉर प्रोटीन सोर्स। नेक्स्ट सोर्स है आलमंड्स एंड पीनट्स। सो आलमंड्स की क्वांटिटी मैं बता रही हूँ 10 आलमंड और पीनट्स 30 पीनट्स, उसके हिसाब से मैं आपको उसके अंदर की जो न्यूट्रिएंट्स है वो बता रही हूँ। 10 आलमंड के अंदर कैलोरीज 70, कार्ब्स 3 ग्राम्स, प्रोटीन 3 ग्राम्स एंड फैट 6 ग्राम्स अवेलेबल रहती है, और 30 पीनट्स के अंदर कैलोरी 120, कार्ब्स 4.8 ग्राम्स, प्रोटीन 5.5 ग्राम्स एंड फैट 8.5 ग्राम्स अवेलेबल है। तो आलमंड्स एंड पीनट्स के अंदर फैट एंड प्रोटीन बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता है, ये हेल्दी फैट एंड प्रोटीन का सोर्स माना जाता है और इसके अंदर विटामिन ई बहुत अच्छे अमाउंट में अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट है चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स, फ्लैक्स सीड्स को अलसी भी बोलते हैं। सो चिया सीड्स के अंदर ये दोनों आप गिन लीजिए, 1 टेबल स्पून का मैं आपको न्यूट्रिएंट्स बता रही हूँ। 1 टेबल स्पून के अंदर चिया सीड्स की कैलोरीज है 45, कार्ब्स है 4 ग्राम्स, फाइबर है 3.6 ग्राम्स, प्रोटीन 1.4 ग्राम एंड फैट 2.6 ग्राम, जबकि फ्लैक्स सीड 1 टेबल स्पून में कैलोरीज 50, कार्ब्स 2.6 ग्राम्स, फाइबर 2.5 ग्राम्स, प्रोटीन 2 ग्राम्स एंड फैट 3.8 ग्राम्स। तो फ्लैक्स सीड्स जो है वो ओमेगा 3 का रिच सोर्स माना जाता है और चिया सीड्स फाइबर के अंदर एंड बोन स्ट्रेंथनिंग मिनरल्स के अंदर हाई माना जाता है। मतलब अगर आपको अपने बोन्स स्ट्रॉन्ग करने, चिया सीड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डाइट के अंदर और उसके अंदर फाइबर भी बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। सो ये वीडियो में हमने देखा ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप अगर वेजिटेरियन है तो अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करके वेट लॉस कर सकते हो। प्रोटीन ज़्यादा है और कार्ब्स कम है तो फैट लॉस बहुत अच्छे से होगा। हाई प्रोटीन डाइट अगेन आपका मूड अच्छा अपलिफ्ट करती है, मूड को अच्छा रखती है, आपके क्रेविंग्स को कम करती है, तो आपको लेट नाइट स्नैकिंग की भी इच्छा नहीं होगी और आपके मसल गेन के लिए और मसल रिपेयर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपके डाइट के अंदर आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, और मैंने बहुत सारे डाइट प्लान्स के वीडियो भी बनाए हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगी, तो जिनको वेट लॉस करना है वो मेरी डाइट प्लान भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे मेल आईडी पे मुझे मेल भी कर सकते हैं।
सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।